ಸೂರ್ಯ ಉಭರಾಕ್ಷಾತ್ರ ವೀರೋ ಉಗೋಚಲೋ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಸೂರ್ಯ ಉಭರಾಕ್ಷಾತ್ರ ವೀರೋ ಉಗೋಚಲೋ ಉಗೋಚಲೋ ಕಲಿಯುಗ ಕೇ ಇಸ್ ಕಲಿಯುಗ ಕಾ ಹೈ ಅಂತ ನಿಕಟ ಆಯಾ ಸಂಧಿ ಕಾಲ ಇನ್ ಯುಗೋ ಯುಗೋ ಕಾ ಅಬ ಸಮೀಪ ಆಯಾ ಸಾಧನಾ ಕೇ ಮಹಾಪರ್ವ ಕೋ ಸಾಥ ಹೈ ಲಾಯಾ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಸೂರ್ಯ ಉಭರಾ ಕ್ಷಾತ್ರ ವೀರೋ ಉಠೋ ಚಲೋ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಸೂರ್ಯ ಉಭರಾ ಕ್ಷಾತ್ರ ವೀರೋ ಉಠೋ ಚಲೋ ಉಠೋ ಚಲೋ ಮಹಾರಾಜ ನೇ ಉನ್ಕೋ ಶುದ್ಧ ಕರ್ಕೆ ಲಿಯಾ ಉಸ್ ಸಮಯ ಶುದ್ಧ ಕರ್ಕೆ ಲೇನೆ ಕೇ ಬಾದ್ ಕಿಸ್ ಜಾತಿ ಮೇ ಲೇ ये बड़ा समस्या था। महाराज ने एक झटके में उसका उत्तर दिया, शुद्धिकरण के साथ नेताजी के बेटे को अपनी बेटी दी, ये हिम्मत। वो हमारा हिंदू राजा था जिसने अपनी बेटी देकर उसका विवाह करवा के उसका शुद्धिकरण किया और उसको समाज में प्रतिष्ठा और मान दिया। शुद्धिकृत जो वापिस आता है उसको अगर प्रतिष्ठा नहीं देते तो वो आना नहीं चाहता है, क्योंकि जितने हिंदू गए कुछ भाग के आए, अफगानिस्तान से अरबस्तान से कुछ भाग के आए, पंजाब में रहे, वापिस आना चाहते थे। हमारे धर्म मारतंडों ने लेना तो दूर, उनको धर्म बहिष्कृत करके दंडित किया, वो ज्यादा कट्टर बने। ये चेरामल राजा केरला का, जिसने खुद अरबस्तान का अरब आके व्यापारी अपने को बहुत संपन्न बनाएंगे करके धर्मांतरित खुद हो गया, वहां क्या हो गया? वहां आदेश हुआ कि हर कोली अपने घर से एक दरिया के लिए दे, ये रोटी बंदी बेटी बंदी हर प्रकार की बंदी हमने अपने ऊपर लगा के ली थी। वहां हर घर से एक कोली का वंशज मुसलमान होता रहा और वो मोपला की जमात पैदा हो गई। और पता है उन्होंने हजारों हिंदुओं की कत्ल के बाद में, धर्म जो ओरिजिनल मुसलमान से ज्यादा धर्मांतरित मुसलमान गड़बड़ करता है वो ज्यादा कट्टर बनता है, वो नकटे की कहानी है। क्योंकि हम चाहते हैं कि सब हमारे जैसे बेईमान बने धर्म से, तो इसलिए शुद्धिकरण ये बहुत बड़ी प्रक्रिया है और उसको जो धर्मांतरित उसको वापस लेने की बहुत आवश्यकता है। अभी एक विषय पर हम लोग आते हैं, जाने वाली की संख्या तादाद में रहती है, आने वाले बहुत कम रहते हैं। लेकिन आजकल हमने बहुत लोगों से सुना और हमने भी कुछ बातें देखी, आने वालों की इच्छा करने वाले बहुत है, उसको सम्मान से लेना जरूरी है और आने के बाद उसको चाहिए कि सम्मान मिले। और इस शुद्धि के मामले में हम महर्षि दयानंद सरस्वती का नाम नहीं लेंगे तो हम खुद को दोषी कहलाएंगे, क्योंकि जब 1875 में आर्य समाज की स्थापना के बाद महर्षि दयानंद ने पहला शुद्धि का, विचारों में मतभेद हो सकते हैं, यह हिंदू धर्म ही ऐसा है, यहां सबको सहूलियत है, विविधता है, धर्म मानने वाला हिंदू धर्मीय है, धर्म नहीं मानने वाला चारवाक का पंथ वो भी खुद को हिंदू कहता है, मूर्ति पूजा करने वाला हिंदू है, मूर्ति पूजा को नहीं मानने वाला निराकार की पूजा करने वाला भी हिंदू है। मतलब हिंदुओं की व्याख्या इतनी व्यापक है, ये इसलिए है, ये अनादि है, इसकी स्थापना किसने करी हम सब जानते नहीं है। विश्व के जितने भी धर्म है उस धर्म संस्थापक और उसके एक पुस्तक को निकाल दो, धर्म जीरो हो जाता है। विश्व में एक ही धर्म ऐसा है जो हिंदू धर्म है, इसमें से राम निकालो कृष्ण निकालो एक एक को निकालो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, धर्म बचता है, ये बाकी संत उसको चलाते हैं, इसलिए ये अनादि धर्म है। महर्षि दयानंद सरस्वती ने शुद्धि का काम किया, बहुत बड़ा काम किया, तब से लेके आज तक आर्य समाज का शुद्धि कार्य हम नकार नहीं सकते। हजारों की तादाद में आर्य समाज के फेवर में लाला लजपत राय हो, पंडित लेखराम हो, स्वामी श्रद्धानंद हो, हम कितने डॉक्टर बालकृष्ण हो, कितने लोगों को गिनवा सकते हैं। इन्होंने एक बड़ा काम किया बीच के इसमें, सावरकर जी ने धर्म शुद्धिकरण का काम किया, मसुराश्रम ने धर्म शुद्धि का काम किया, इन लोगों को हम नकार नहीं सकते हैं, वो आज भी चल रहा है, क्योंकि वहां भी हम हिंदू स्वाभिमान प्रतिष्ठान की ओर से जब धर्म शुद्धि का काम करते हैं, साल में शुद्धिकरण हमारे पास आता है तो आर्य समाज पिंपरी का सहयोग अवश्य लेते हैं, शुद्धि वहां के पुरोहित के माध्यम से की जाती है। तो ऐसे बहुत से विषय है और इस विषयों को कवर करना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये हमारा देश बहुत विविधता का है और हम अभी हिंदू धर्म राष्ट्र की ओर अग्रेसर होने जा रहे हैं, ये हमारा पहला कदम है, ये शुरुआत है और इसके लिए हिंदू जनजागृति समिति बहुत बधाई के पात्र है। पूना में इनका हमारा कोऑर्डिनेशन बहुत जोर का है, इनके मीटिंग में हम जाते हैं, हमारी सभाओं में ये आते हैं, ताकि मिल के करेंगे तो बड़ा अच्छा काम होता है, क्योंकि
भुगतना भी थोड़ा कम पड़ता है। जो बोलते ना कि एक आदमी मार भी खाता है तो ज्यादा खाता है, दस होंगे तो मार सकते हैं, एक के लिए थोड़ा परेशानी होती है। ये जो अफजल खान वन का प्रॉब्लम बीच में हुआ था, हम साथ में थे, इन्होंने बहुत प्रसिद्धि दी उसको। अफजल खान के पोस्टर को तो पहली बार फाड़ दिया, 10 साल उसको हम लगाते हैं। इतिहास डिस्प्ले होना है, लोग बच्चे कैसे पढ़ेंगे? छत्रपति शिवाजी महाराज अगर खून में गए तो बच्चा बिगड़ेगा नहीं, लव जिहाद प्रॉब्लम होगा ही नहीं। हम भूल गए महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, शंभू राजे, ये नेताजी पालकर खाली 8 घंटे में गिर गया, मतलब धर्मांतरण होने के पहले 8 घंटे का यातना सहन नहीं कर पाया, इतना तगड़ा होने के बाद भी। लेकिन छत्रपति शिवबाराजे का पुत्र शंभू राजे 1.25 महीने तक, तकरीबन 37 दिन यातनाओं से बड़ी यातनाएं, नाखून काट के खारे पानी में डालना, आंखों में सला के डालना, ये चमड़ी उधेड़ देना, पूरी यातनाएं 1.25 महीना वो सहते रहे, लेकिन टूटे नहीं। ये हमारी ताकत है हिंदुओं की। आइए हम लोग भी उसी ताकत के साथ आगे जाएंगे, हमें रोकने की ताकत किसी में नहीं है। जय तू हिंदू राष्ट्रम, जय तू हिंदू राष्ट्रम। सनातन धर्म सूर्य उभरा क्षात्र वीरो उठो चलो, सनातन धर्म सूर्य उभरा क्षात्र वीरो उठो चलो, उठो चलो। कलयुग के इस कलयुग का है अंत निकट आया, संधि काल इन युगों युगों का अब समीप आया, साधना के महापर्व को साथ है लाया, सनातन धर्म सूर्य उभरा क्षात्र वीरो उठो चलो, सनातन धर्म सूर्य उभरा क्षात्र वीरो उठो चलो, उठो चलो।